अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज जैसे कि सैटरडे है और आज का जो दिन है भाई, बच्चे लोग ने सुबह सुबह आवाज़ दे दिया कि अब्बू उठिए, पानी भर गया। बच्चों का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि उनकी स्कूल की छुट्टी हो गई, क्योंकि पानी पूरे आप देख सकते हैं हमारे बिल्डिंग के एतराब, जो हमारे सामने जो रोड है और उसके रोड के ऊपर हमारी दुकान है, पूरा रोड डूब चुका है। दुकान की दो सीढ़ी डूब चुकी है, एक सीढ़ी बची है ऊपर की, बाकी पूरा पानी पानी। ये हर साल का है क्योंकि इसके तरफ कई सारे जो नाले थे क्रॉसिंग वाले, वो बंद हो गए, बंद कर दिए गए। कैसा क्या किए ये उन्हीं लोग जानते हैं, लेकिन हमें मालूम है यहाँ कितने नाले थे। अब फ़िलहाल एक ही नाला है क्रॉसिंग के लिए, बिल्डिंग का एंट्रेंस से देख सकते हैं। यहाँ से जाने के लिए भी पानी में से गुजरना पड़ता है क्योंकि सारा पानी यहीं से निकल के जाता है, पहाड़ का सारा पानी इसी रास्ते से निकल के जाता है और हम लोग को आने जाने में भी काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये देखिए, अभी हम जाएंगे दुकान के तरफ, ये देखिए जा रहे हैं। आप पानी देखिए, पानी में से होते हुए जाना पड़ता है और मच्छी भी काफ़ी ज़बरदस्त, बड़ी बड़ी मच्छी इसमें होती है भाई। लेकिन इस साल फिलहाल 2-5 साल से हम पकड़ना बंद कर दिए मच्छी। आप अभी देखिए रोड का जो स्थिति है कैसी है, गाड़ी क्रॉस नहीं हो पा रही क्योंकि एक जगह पे जाके पानी काफ़ी हो जाता है। देख सकते हैं अभी हम डिवाइडर ब्रिज के उस पर आ गए हैं, अब पूरा पानी पानी। आगे देख सकते हैं टेम्पो डूब गई है। अभी तो पानी कुछ कम हो गया क्योंकि कम होने में टाइम नहीं लगता, पानी बहुत स्पीड में खींचता है एक नाला जो है। ये देखिए, ये हमारे दुकान के पास से ये है नाइस सिटी। अभी इस टेम्पो को भी बाहर निकाला गया है और अभी ये हरी टेम्पो को भी बाहर निकाला जाएगा। सब ये नाइस सिटी के हमारे भाई लोग हैं जो नाश्ता वगैरह लेने के लिए सुबह सुबह निकलते हैं। अब ये पानी देखने के बाद नाश्ता भी नहीं होगा किसी का, क्योंकि आज हमारे घर पे कुछ नाश्ता नहीं बना क्योंकि दूध ही नहीं मिला, तो नाश्ता कैसे बनेगा। लेकिन ये है कि इसमें ये एक नाला है जो सारा पानी खींचता है, सिलफाटा से लेके कौसर होटल तक का पूरा पानी ये एक नाला खींचता है। इसके एतराफ में बीच में जितने नाले थे सब बंद कर दिए गए, पैसा खिला के जो भी करके सारे नाले बंद हो गए। चलते हैं अब ऊपर कबूतरों में, देखते हैं उनका क्या हाल है। कि कौवे बहुत चिल्ला रहे थे भाई ऊपर, क्या बात है, सब ठीक ठाक खैरियत से तो है। कसम सब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है यहाँ पे ब्रीडिंग वाले में। इधर पे थोड़ा पानी गिरा है, उधर पे पानी गिरा है, इधर के कबूतरों का हाल चाल ठीक है, ठीक है। सब देखना पड़ता है भैया, यहाँ पे सब ठीक ठाक है। पतरे से आज पानी भी काफ़ी लीकेज हुआ है, इधर पे भी गीला हो गया, इधर तो सूखा है। तुम लोग क्या चिल्ला रहे ले रे, हाँ इधर का लॉक तो पूरा खाली है, कुछ भी नहीं है इसमें, कबूतर देख सकते हैं रोड। ये पोजीशन देखिए, उनने बालकनी बना दिया एकदम, थोड़ा भी सफाई बाकी है। आज बच्चे लोग की स्कूल भी बंद है। सामने घर है हमारा इसी बिल्डिंग में, ये देख सकते ये वाला घर अपना है, यहाँ से सारा चीज देख लेते। हर साल का ये है, लेकिन कोई भी
चीज़ की यहाँ पे व्यवस्था नहीं की जाती है। नाला बाकायदा जो होना चाहिए वो है नहीं, बहुत से नाले यहाँ से गायब हो चुके हैं, जिसकी वजह से एक ही तरफ से सारा पानी आता है और ये पूरा फुल हो जाता है। वो तरफ के जितने नाले थे सब गायब हो चुके हैं। अब आप बताए देखिए क्या सिचुएशन है यहाँ की। बच्चों की स्कूल बंद हो जाती है, मार्केट में आना जाना बंद हो जाता है और हम ही लोग अपने हाथों से नाले की सफाई करनी पड़ती है। ये है आज का अपडेट।